नमस्कार, केपी एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रेबिका कोरी। आइए देखते हैं सबके मुख्य समाचार। कैलिफोर्निया के गिरजाघर में हमला करने वाला चीनी प्रवासी गिरफ्तार। ताइवान के लोगों के प्रति नफरत के कारण किया हमला। कन्नड़ एक्ट्रेस चेतना राज का 21 साल की उम्र में निधन। कराई थी फैट फ्री प्लास्टिक सर्जरी। देश में आज कोरोना के 1569 नए केस। अप्रैल 2022 में 15.8% रही थोक महंगाई दर। नेपाल में बढ़ते बलात्कार के मामलों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जा रहा नुक्कड़ नाटक। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक में की जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा। ओवैसी का दावा ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं, फवारा मिला। श्रीलंका में बच्चा एक दिन का पेट्रोल मदद के लिए आगे आया भारत। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्रियों को पीएम मोदी ने दिया सुशासन का गुरु मंत्र। आजम खान की जमानत पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। मंडप तक बीएमडब्ल्यू से नहीं लाया दूल्हा तो हुआ बवाल, बिना दुल्हन के ही लौट गई बारात। ट्विटर पराग अग्रवाल के ट्वीट थ्रेड पर एलन मस्क ने भेजा फाइल ऑफ पू, ट्विटर डील पर छाए संकट। मध्य प्रदेश में फिर बवाल, नीमच में दरगाह के पास मंदिर बनाने को लेकर दो गुंडों में विवाद, जमकर पथराव। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के 4 आरोपियों को गुजरात एटीएस ने अरेस्ट किया। दिल्ली महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ता हिरासत में, शाहजहां रोड का नाम बदलने पहुंचे थे। बीजेपी के दलित नेताओं के साथ जेपी नड्डा की बैठक आज। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की बैठक आज। एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंचे। राजद्रोह मामला, शर्जिल इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 26 मई तक टली। चार धाम यात्रा, अब ऋषिकेश से आगे नहीं जा पाएंगे बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालु। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में क्लस्टर बस में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौजूद। पहले बल्ला रूटा, अब चेट ने बिगाड़ा खेल, अजिंक्य रहाणे हुए लीग से बाहर। सीबीआई ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के दफ्तर और आवास समेत कई जगहों पर मारे छापे। गुना पुलिस हत्याकांड में शामिल एक और आरोपी छोटू पठान की एनकाउंटर में मौत। दिल्ली के गोविंदपुरी में क्लस्टर बस में लगी आग, चारों तरफ दिखा काला काला धुआं। हिम्मत तो देखिए, भरी पंचायत में प्रेमिका बोली, मेरी इससे शादी करवाओ नहीं तो दे दूंगी जान। यश की फिल्म ने दुनिया भर में कमाए 1200 करोड़। राजामौली की आरआरआर को छोड़ा पीछे। निकम्मे हीरो की वाट लगाने आई सुपर वुमन शिल्पा शेट्टी, ट्रेलर में छाए भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु। बिकनी में नम्रता मल्ला ने दिखाया अदाओं का जलवा, फैंस बोले ड्रीम गर्ल। अरसलान गोनी की बाहों में दिखी ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुसन ने खान, बीएफ पर यूं लुटाया प्यार। आज इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।